रो पी रो तो इधर। अबे यार मैं तो टिप्टन का अपनी न्यू अपडेट लेने के लिए आया था, वो उसी ने मेरे को बुलाया था, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए? मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। तूने हमारा नहीं बिगाड़ा लेकिन हम तेरा बिगाड़ेंगे। अबे यार ये लोग तो पागल हो गए हैं, बावलों की चीजें तत्तर है, मेरे पीछे पड़ चुके हैं। इससे पहले ये मेरे को ऊपर पहुंचा दे मैं टिप्सन के पास चलता हूँ। ओए टिप्सन, टिप्सन का इलाके में बस एक बार मैं पहुंच जाऊँ फिर तो ये लोग मेरा कुछ चले गए पीछे। अब ठीक है ये यहाँ पर तो बिल्कुल आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि यार जो टिप्सन का इलाका आ जाता है टिप्सन के इलाके में कतई कोई भी ये लोग आ ही नहीं पाते हैं, ना ग्रीन ट्रांसफॉर्मर ना इविल हल्क। अय्या मैं किधर पहुंच गया, फंस गया बड़ी जोर की। रुको मैं बम फोड़ता हूँ, निकल। ओ यार हाँ बम फूट गया, खतरे मैं भी फूट गया साथ में। लेकिन एक मिनट, ये बम को ज़्यादा ही भयंकर तरीके से ना फूटा, कितनी दूर तक तबाही मचाई है यार। वाकई में बहुत दूर तक तबाही मचाई है। तुम लोग सामने देखो, तुम लोगों को सामने नज़र आएगा कतई गोले गोले, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग मरे हैं लगता है। यार मेरे को ऐसे ग्रेनेड फोड़ना नहीं चाहिए था, ये ग्रेनेड पता नहीं इतना पावरफुल कैसे निकल गया, कुछ कुछ ग्रेनेड पावरफुल निकल जाते हैं। खैर जो भी हो, ओए टिप्सन तेरी भैंस की आंख, टिप्सन ये सब तेरी वजह से हुआ है। ये ग्रीन ट्रांसफॉर्मर और ये इविल हल्क अभी तक बायस्टॉर्म से भागे क्यों नहीं है? ये दोनों के दोनों चूतिए इंसान। लो पीरो इनको भगाना बहुत मुश्किल है, इनको भगाने के लिए तो हम लोगों को वो डॉक्टर डूम है ना। डॉक्टर डूम? अबे हाँ डॉक्टर डूम, डॉक्टर डूम की हम लोगों को ट्रांसफॉर्मर शॉप चाहिए, ट्रांसफॉर्मर शॉप वो भी डॉक्टर डूम की। ठीक है अगर इविल हल्क और ग्रीन ट्रांसफॉर्मर को भगाने का यही रास्ता है तो फिर मैं कुछ भी करूँगा, मतलब मैं किसी भी हद तक जाऊँगा, लेकिन डॉक्टर डूम और ग्रीन ट्रांसफॉर्मर इन दोनों की पुंगी तो बजा के रहूँगा। ये लोग इतने बेकार, इतने घटिया, इतने लीचड़ इंसान है, क्या ही बताऊँ मैं तुम लोगों को। खैर हम लोग चलते हैं गॉड ऑफ स्पीड के पास, हाँ गॉड ऑफ एवेंजर, यही हम लोगों को बता सकता है कि डॉक्टर डूम की जो वो ट्रांसफॉर्मर शॉप जिसमें बहुत सारे रोबोट हैं वो किधर मिलेगी मेरे को। वैसे मैंने रास्ता तो देख ही रखा है, हम लोग एक काम करते हैं फटाफट से, वो सामने तुम लोगों को हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है, हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और सीधा चलते हैं डॉक्टर डूम की ट्रांसफॉर्मर शॉप लेने के लिए उस गॉड ऑफ एवेंजर के पास। वैसे गॉड ऑफ एवेंजर को भी मालूम है नहीं मालूम है ये थोड़ा देखना होगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि गॉड ऑफ एवेंजर को मालूम होगा। गॉड ऑफ एवेंजर तो यार एवेंजरों का लीडर है, वो तो बहुत विलन है यार, पता नहीं उसको मालूम भी होगा कि नहीं। जो भी हो हम लोग देखेंगे, पर पहले नंबर यहाँ से निकल लेते हैं। आ रहा हूँ मैं गॉड ऑफ एवेंजर, कहते ही तेरे पास आ रहा हूँ। लेकिन एक काम करते हैं अपन लोग है ना, हेलीकॉप्टर को यहाँ पर पार्क कर देते हैं, यहाँ पर पार्क रहेगा ना तो ये हम लोगों को कभी भी मिल जाएगा। नीचे पार्क करूँगा तो मिलेगा भी ना जी हेलीकॉप्टर हम लोगों को, ये ठीक है यहीं पर इसको पार्क करके चलते हैं। अब सीधा चलते हैं गॉड ऑफ एवेंजर के पास। आ रहा हूँ मैं गॉड ऑफ एवेंजर, यही घर है ना, इधर ही कहीं पर घर है उस गॉड ऑफ एवेंजर का, मेरे को रास्ता ठीक से याद नहीं है, यही घर है, कौन सा घर है मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा है। गॉड ऑफ एवेंजर पूछ लेते हैं ये घर किसका है, कोई है क्या भैया? भाई साहब ओ ये तो लावा गॉड है ना, और लावा गॉड वो गॉड ऑफ एवेंजर के दर है, वो तो दूसरी तरफ है। ओ अच्छा समझ गया यार गॉड ऑफ एवेंजर। ओ यार ये देखो ये लोग कौन है अब, ये तो बहुत जमावड़ा लगा हुआ है, इधर पार्टी हो रही है क्या, हो क्या रहा है इधर, यही गॉड ऑफ एवेंजर का घर है यार, उस लावा गॉड ने तो यही कहा था यही गॉड ऑफ एवेंजर का घर है, तो गॉड ऑफ एवेंजर किधर है इधर, गॉड ऑफ एवेंजर किधर है भाई तू, यार इधर तो है ही नहीं लगता है, वो घर में है ही नहीं, जब घर में नहीं है तो फिर किधर हो सकता है। ओए गॉड ऑफ एवेंजर है क्या इधर पर कहीं पर तू, यहाँ पर तो मेरे को वाकई में कहीं पर दिखाई दे रहा, छोड़ो उसको छोड़ो यहीं पर कहीं पर हम लोग ढूंढते हैं गॉड ऑफ एवेंजर, हाँ वो तो है ही नहीं इधर। रो पीरो गॉड ऑफ एवेंजर, अबे तू इधर, रो पीरो तू इधर क्या कर रहा है? लेकिन मेरे को है ना वो उस डॉक्टर डूम की ट्रांसफॉर्मर शॉप चाहिए। वो तो यहाँ पर नहीं मिलेगी तुझे, वो तो उस डेट ऑफ सिटी में मिलेगी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नर्क से बदतर जगह है और उसका लीडर है बर्फीला मानव, उसी के पास है डॉक्टर डूम की ट्रांसफॉर्मर शॉप, पर मुझे नहीं लगता वो देगा। यहाँ पर इतनी गर्मी मेरे को समझ में नहीं आता। ये
से नीचे गिरने लगे ये पत्थर मेरे को चोट पहुंचा देते हैं, कतई जोरों की लग जाती है कभी कभी मेरे को। वैसे यहाँ से निकलने का मेरे को आज तक कोई रास्ता नहीं मिला। मैं यहाँ से नीचे जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन इस डेड सिटी से मैं कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे हाँ, मैं एक काम करता हूँ, उस कार में बैठता हूँ, कार में सोचूंगा कि आगे कहाँ जाना है। कहीं ना कहीं तो बाहर निकलने का रास्ता होगा यहाँ से, और जहाँ से भी हो मैं उधर से चले जाऊंगा। ओए रुक, कार वाले रुक, मेरे को ये कार चाहिए। ये कार तो वाकई में बहुत स्पीड से चलती होगी। रुक जा यार, किधर भाग रहा है, रुक तेरी बैस यहाँ। ओए बस रुक जा, उतर कार में से उतर, मेरे को चाहिए ये सुपर कार। वो ये कार वाकई में कमाल कार है। वो क्या गुफा है ये। ओए रुक यार, ये कार तो इससे भी बेहतरीन लग रही है। अब तो मेरे को पक्का यही वाली कार चाहिए, कोई भी यहाँ से भाग ना पाए। ओ शिट, ये पुलिस वाले क्यों आ गए। पुलिस वालों को छोड़ो, मेरे को ये कार चाहिए। ओए नहीं, ये क्या, फिर से नीचे से ऊपर बरसने लगे। मेरे लग गई, ये क्या होता है मेरे साथ। मेरे को किन ने बचाया। एक्सक्यूज मी, मेरे को यहाँ से कौन उठा के लाया, मेरे को बचाया किसने। तेरे मुंह में है क्या जबान, तू क्या बोल सकती है बे। खैर इसको छोड़ो, कोई मेरे को बताएगा मेरे को बचाया किसने, कोई है क्या। वो तो तेरे को पीछे खड़ा आदमी बता सकता है। पीछे खड़ा आदमी, अबे तू कौन है। मैं रो पी रहा हूँ, मेरे को डॉक्टर डूम की ट्रांसफॉर्मर शॉप चाहिए। डॉक्टर डूम की ट्रांसफॉर्मर शॉप, वो तो मेरे पास ही है यार, मेरे को तू यहाँ से बाहर निकलवा दे। ओ अच्छा ठीक है। ओ यारो, आखिरकार मेरे को डॉक्टर डूम की ट्रांसफॉर्मर शॉप मिल ही गई। और अब कहाँ है वो ईविल अल्क ग्रीन ट्रांसफॉर्मर। मैंने उसको वादा किया है बर्फीले मानव को कि मैं तेरे को बाहर निकालूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे को रास्ता खोजना पड़ेगा कि वहाँ पर निकला कैसे जा सकता है, क्योंकि आने का रास्ता तो उधर क्लियर है। मैं ही बहुत मुश्किल से निकल पाया था उधर से, मेरे को टिप्सन से मदद लेनी चाहिए। गुड डे।